20 जुलाई को हल्द्वानी में नुमाइश के अंदर धारदार हथियार से हमला करने वाले दो युवकों को एसओजी और स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने करते हुए बताया कि 20 जुलाई को नुमाइश के अंदर पार्किंग को लेकर पार्किंग ठेकेदार और गांधी आश्रम में बहने वाले अजीत सिंह बगड़वाल के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई, जिसके बाद हमलावर आरोपी फरार हो गए थे। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की। इसके बाद पुलिस ने 24 जुलाई को मुख्य दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने तलवार सहित कई हथियार भी बरामद किए। और जो मेन आरोपी किसने गिरफ्तार किया गया, क्या उनका स्टेज क्या था? देखिए, 20 जुलाई को हल्द्वानी में नुमाइश के दौरान एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर करते हुए कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार किया। पुलिस में दो लोग जो थे वो फरार थे, और ये दो लोग न केवल इस घटना में शामिल है जबकि ये अंतर जो जनपदीय गैंग है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन लोगों के बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने अपने जो सर्विलांस है उसको एक्टिवेट किया, और ये जो दो अभियुक्त इनको हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्त की एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है, और ये दोनों अभियुक्त हत्या के प्रयास में, अवैध हथियारों की सप्लाई में, इसके अलावा मारपीट, लोगों को धमकाना और पैसा वसूल करने के इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं।